अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। जितने भी लोग चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। BTC की प्राइस 56,777 पे ट्रेड कर रही है, और हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ देखने वाली है सबसे मेजर, वो है कि इस टाइम पे BTC ने सपोर्ट 56,200 को लिया हुआ है, रिजेक्शन BTC में 57,900 से दो बार रिजेक्शन हुई है, एंड देन अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 56,700 पे रिजेक्शन है और 56,400 पे सपोर्ट है। ऑलमोस्ट पिछले 5 घंटों से मार्केट इसी रेंज के अंदर स्टक है। यहाँ पर जो पोजीशन बन रही है, ये आपके पास एक रेंज है जिस रेंज के अंदर इस टाइम पे BTC की प्राइस ट्रेड कर रही है। यहाँ पर अगर आप इसको भी मार्क करते हैं तो यहाँ से मार्केट 2 घंटे के लिए डाउन साइड पे आई है, लेकिन फिर इसी चैनल के अंदर वापस मार्केट की प्राइस चली गई। यहाँ पर अभी BTC में हमारे पास क्या टारगेट्स बन रहे हैं, कहाँ पे मार्केट अपसाइड पे जा सकती है, कहाँ पे डाउन साइड पे जा सकती है, और सबसे मेजर चीज ये है कि आज CPI का डाटा भी आना है 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक CPI डाटा आना है, और लास्ट जो है वो एक्चुअली और फॉरकास्ट इक्वली 14 अगस्त को हमने देखा, फिर जुलाई में देखा। अभी आप मंथ ओवर मंथ पे देखते हैं तो 0.2 प्रीवियस है और फॉरकास्ट भी 0.2 है, और यहाँ पर अगर आप CPI, ये कोर CPI है, नीचे CPI देखते हैं ये भी 0.2 है, और अगर अर्ली की बात करते हैं तो 2.9 पहले है, 2.5 फॉरकास्ट किया जा रहा है, एंड एक्चुअल देखते हैं कि एक्चुअल क्या होगा, एंड होप्स हो एक्चुअल जो CPI है वो CPI कम हो जाएगा, CPI डाटा कम हो जाएगा, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स भी आने हैं। कल PPI का डाटा आना है, ये PPI भी आपको दिखाया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने हैं कल 5:30 बजे, ये भी होंगे। सो आज 5:30 बजे इंतहाई अहमियत होगी इस न्यूज़ की, और मार्केट किस साइड पे मूव करेगी। ये जो अभी रेंज बताई हुई है मैंने, इस रेंज में हम बात करते हैं। लोअर CPI फिगर एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लेटर अकाउंट ऑन एक्स, द बिग US बैंक्स आर स्प्लिट इन देयर प्रेडिक्शन ऑफ इधर 2.6 और 2.5 कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन फिगर विच विल बी अनाउंस्ड लेटर टुडे। इफ इन्फ्लेशन डज कम इन एट 2.5% और लोअर, दिस विल बी द लोएस्ट CPI फिगर सिंस फरवरी 2021। अगर ये डाटा 2.5 से कम आता है, हमारे पास यहाँ पर 2.5 से कम आता है, लास्ट 2.9 है, अभी 2.5 है, 2.5 से अगर कम आता है जो कि ईयरली होगा, तो ये 2021 फेब से लेके अब तक का सबसे कम CPI होगा। मार्केट को देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो 37 पे है फियर है। अगर आप यहाँ पर लिक्विडेशन हीट मैप देखते हैं तो लिक्विडिटी डाउन साइड पे थोड़ी बहुत पड़ी है, कुछ थोड़ी बहुत अपसाइड पे पड़ी है। वीकली चार्ट पे अगर देखते हैं, जिसमें हमारे पास आई थिंक सो 2 घंटे की या 4 घंटे की हर कैंडल हो जाती है, तो यहाँ पर भी लिक्विडेशन नीचे साइड पे भी पड़ी है 54,000 पे, एंड अपर साइड पे भी पड़ी है जो कि 60,000 तक है। लेट्स सी, अगर CPI डाटा पॉजिटिव आता है मार्केट पंप करेगी, अगर CPI डाटा नेगेटिव आता है मार्केट डंप करेगी, और फौरन ही आपको रिएक्शन मार्केट में दिखाई देगा। दो चीज़ें हैं हमारे पास जो मैं अभी आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले आपको मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, ये आपका है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और अगर मजीद पीछे आ जाते हैं तो ये है आपके पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे 55,000 पे, यहाँ पर क्योंकि ये इसके ऊपर आपका गैप पड़ा हुआ है ये, और अप साइड पे आपके पास 57,400 से 57,700 तक, लेकिन ये क्योंकि इस रेंज के अंदर ही है अभी स्टिल, तो इस रेंज को 58,000 को ब्रेक करना BTC के लिए मसला है कि 58,000 को ब्रेक करे, 61,000 के ऊपर अगर BTC की प्राइस क्लोज हो जाती है वो यार मच सेफर, हम यहाँ से अप साइड पे मजीद जा सकते हैं। लेकिन अभी ये जो CPI आना है, PPI आना है, इसको देख के मार्केट का रिएक्शन क्या होगा, फिर इस पे डिपेंड करेगा कि मार्केट रेट कट पे किस तरह से बिहेव करेगी। रेट कट 0.25 होता है या 0.50 होता है, कितने BPS रेट कट्स होते हैं तो उसके मुताबिक फिर देखेंगे बाद में जब रेट कट की न्यूज़ आनी होगी। अभी फिलहाल हम अगर देखें तो मार्केट कुछ, जो मैं यहाँ पर 4 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन करूँगा,
चार घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो हम इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे थे बीटीसी में, जो कि मैं चैनल अभी मार्क कर देता हूं, और इस चैनल को रीटेस्ट करना जरूरी होगा। यहां पर ये हमारे पास चैनल है इस जगह पर, इस चैनल के अंदर बीटीसी की प्राइस जो है वो ट्रेड करती रही है कुछ यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पर बीटीसी की प्राइस ट्रेड करती रही है, और एक घंटे के टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं आता हूँ, यहाँ पर वन आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे और मैं चार्ट को रीसेट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये वाला एक चैनल था जिस चैनल के अंदर बीटीसी की प्राइस ट्रेड करती रही है। डाउन साइड पे मार्केट को, अगर डाउन साइड पे आती है मार्केट और एक विक लगाती है जो कि क्विक रिकवरी ले सकती है, तो मार्केट को इसी जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है इसके अंदर आना चाहिए 55,000 पे। यहाँ पे आके हमारे पास ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये भी फिल हो जाएगा, और ये जो हमारे पास एक चैनल है इस चैनल की जो अपर बैंड है ये वाला बैंड भी रीटेस्ट हो जाएगा 55,300, 200, 400 या 55,000 की एक विक लगेगी, और उसके बाद मार्केट अपसाइड पे चली जाएगी। अगर बेरिश डाटा रहता है अपसाइड पे मार्केट, क्योंकि मार्केट 5-7 मिनट पहले बिहेवियर मार्केट का चेंज हो जाता है, तो आप लोगों को 5:20 पे 25 मिनट के करीब पता चल जाएगा कि मार्केट अपसाइड पे जाने वाली है, डाउन साइड पे मार्केट अगर पंप करने लग गई तो डाटा आने के बाद मार्केट नीचे गिर जाएगी, और अगर डंप करने लग गई तो मार्केट में डाटा आने के बाद मार्केट पंप करने लग जाएगी। अभी फिलहाल तो ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्टर टर्म पे बता रहा हूँ कि बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पर कुछ ये। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, तो वन डे के टाइम फ्रेम पे ऑब्वियसली हम डेफिनेटली देख रहे हैं कि हमारा जो चार्ट पैटर्न एक बना हुआ था यहाँ पर, इस चार्ट को हम इसी तरह से रहने देंगे, बिट गेट पे ओपन करेंगे, ये हमारा चार्ट बना हुआ है पहले, और ये वाला चार्ट जो है हमारा परफेक्ट प्ले आउट हो रहा है। एक तो ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न था, और सेकंड हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ये एक हायर लो जो कि मार्केट को अपसाइड पे लेके जा रहा है, और मार्केट ऊपर जाके इसके ऊपर एक नया हाई बना देगी, तो हमारे पास एक हायर हाई बन जाएगा 6-7 महीने के बाद एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद। लेकिन अभी मार्केट को वापस आके 55,000 को रीटेस्ट लाजमी करना चाहिए, क्योंकि फिर इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान जो गैप है आज से 3 दिन पहले का 9 सितंबर का, वो वाला गैप हमारा फिल हो जाएगा। मार्केट को मजीद नीचे कहां तक आना चाहिए और कहां तक आ सकती है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। एंड पे मैं आप लोगों के साथ एक सिग्नल भी शेयर करूंगा, ऑब्वियसली वो तो आप लोगों को मैंने अब सोचा है कि जरा एक सिग्नल शेयर कर दिया करूंगा ताकि आप लोग उससे कुछ ना कुछ फायदा हासिल कर सकें। यहां पर हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे CME गैप मौजूद है 53,915 से 54,500 तक का। ये आपके पास यहाँ पर CME गैप पड़ा हुआ है, ये CME गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप को भी मार्केट को उठाना है। ये आपके पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, नीचे CME गैप होगा, तो ऑब्वियसली CME गैप ही मार्केट उठाएगी, क्योंकि अगर आप पीछे देखते हैं यहाँ पर ये गैप था, गैप फिल हो गया, यहाँ पर ये छोटा सा गैप था, ये गैप फिल हो गया, लेकिन ये तो गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग थी। यहाँ पर ये गैप मौजूद है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ऑब्वियसली अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो आपका गैप है ये गैप मार्केट ने फिल किया, फिल करके मार्केट डाउन साइड पे गई। पीछे जाते हैं ये गैप है, ये भी फिल हो गया, मजीद पीछे जाते हैं यहाँ पर ये वाला गैप था, ये वाला गैप अब यहाँ पे आके फिल हो गया। सो जितने भी गैप्स हैं ऑलमोस्ट जितने भी CME गैप्स बने हुए हैं ये सारे के सारे गैप्स फिल हुए हुए हैं, और यहाँ पर भी आप देखें तो ये वाला गैप मौजूद है। लेट्स सी मार्केट आज फिल करती है या मार्केट रेट कट्स की न्यूज के बाद फिल करती है। होप फॉर दी बेस्ट कि मार्केट, मेरा ख्याल है और जहां तक मैं चाहता हूं कि मार्केट यहां पे आज ही आए, कल आए, विक लगाए, विक लगा के ये वाला CME गैप फिल करके अपसाइड पे चली जाए, और अगले हफ्ते में मार्केट चाहे साइडवेज रहे, स्टेबल रहे, जो भी हो, लेकिन मार्केट को गैप्स नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि गैप छोड़े होंगे तो मार्केट में वो एक वीकर जोन बन जाएगा कि वहां पर मार्केट दोबारा आ सकती है। ये कुछ मेरे एनालिसिस हैं, अभी थोड़ा सा डीपली देखेंगे जब डाटा आ जाएगा, डाटा आने के बाद मार्केट में मूव देखेंगे नेक्स्ट क्या होगा। लेकिन अगर डाटा पॉजिटिव आता है, जो कि मुझे चांसेस लग रहे हैं कि डाटा पॉजिटिव आएगा, तो मार्केट यहां से पंप करेगी। होप सो मार्केट को पंप करना चाहिए। 58,000 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है और क्लोज कर जाती है 15 मिनट या 30 मिनट पे कैंडल, तो हम देख सकते हैं मार्केट अपर साइड पे जा रही है, जो कि 60,000 को टच कर सकती है, 60,000 के जोन में जा सकती है, 59,500 तक, 59,700 तक और 60,000 तक, यहां तक मार्केट जा सकती है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। आगे आप लोगों के साथ एक सिग्नल शेयर कर देता हूं जिसमें हम बाइंग कर सकते हैं, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने वो बाइंग करनी है मिड टर्म के लिए। ये नहीं है कि आज हमने बाइंग की है तो कल हमें उसका कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा। मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था FTM USDT, ये FTM है जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था, अभी तक ये स्टिल
ये आपके पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और इस पैटर्न को फॉलो अप कर रहा है। इससे पहले मैंने आपको अल्पाका का सिग्नल दिया हुआ था, ठीक है, जो कि 4 दिन पहले दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी जिन लोगों ने भी बाइंग की थी और जिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग भी कर ली, अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखते हैं तो आप लोगों को ये वाले जो टारगेट्स मैंने दिए हुए 0.25 एंड 0.30 ये प्ले आउट होते हुए दिखाई देंगे। वापस इस जोन को, ये वाला जो जोन है, इस जोन को टेस्ट कर सकती है 0.15 तक। यहाँ पे आके आप दोबारा से डीसीए कर सकते हैं इसमें। अभी मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था 4 to 6 वीक का टाइम होगा, जो कि हमने ऑलमोस्ट अक्टूबर का मिड हो जाएगा या अक्टूबर का एंड हो जाएगा, जब तक हमने ये वाले टारगेट्स देखने, क्योंकि मैं डेली टाइम फ्रेम पे दे रहा हूँ ना, डेली टाइम फ्रेम पे। अभी यहाँ पर आप देखते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर ये आपकी ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया है, और ब्रेक करके मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करती रही है बार बार। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मार्केट कितनी बार रीटेस्ट करती रही है, बार बार रीटेस्ट करके 3 दिन से मार्केट अप साइड पे जा रही है। और अभी यहाँ पर ये वाला एरिया जो है, यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रही है इस एरिया से, और इस एरिया को ये ब्रेक कर जाएगी। हमारे पास रिजेक्शन है इस टाइम पे, मैं आपको यहाँ पर मार्क करवा देता हूँ, 0.85 की रिजेक्शन है सेकंड, जो कि मैं यहाँ पर पैटर्न देख रहा हूँ, जो पैटर्न कंफर्म हो चुका है, और इसके बाद आप मार्केट में एंट्री यहाँ पर भी ले सकते हैं, रीटेस्ट होने पे भी ले सकते हैं। यहाँ से आपके पास ये शोल्डर है, ये आपका हेड है, एंड ये अगेन शोल्डर है, और यहाँ तक नेकलाइन आ रही है, ये नेकलाइन आ रही है, ठीक है। इस नेकलाइन को ब्रेक कर चुकी है मार्केट, ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड पे आके इस नेकलाइन को रीटेस्ट कर सकती है, ठीक है, इस नेकलाइन को रीटेस्ट कर सकती है 0.7980, ये आपके पास एंट्री होगी। यहाँ तक आप एंट्री ले सकते हैं, 0.77 तक आप एंट्री ले सकते हैं। टारगेट्स होंगे, हमारा पहला टारगेट होगा 0.95, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 0.79 और 78 पे मैं आपको एंट्री दे रहा हूँ। 0.95 हमारा शॉर्ट टर्म में पहला टारगेट होगा, 1.10 सेंट्स, $1.10 तक हमारा दूसरा टारगेट होगा, $1.25 हमारा तीसरा टारगेट होगा, $1.35 हमारा चौथा टारगेट होगा, और $1.50 ये हमारा पांचवा टारगेट होगा। ये हमारे टारगेट्स होंगे सुपर में, आप इसको स्पॉट में होल्ड कर सकते हैं। फ्यूचर्स में करेंगे आप लोग अपने लेवरेज को, आप लोग अपने रिस्क को खुद मैनेज करेंगे, फ्यूचर्स का सिग्नल मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अगर आप लोग जीरो लेवरेज, जीरो लिक्विडेशन प्राइस के साथ अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि हम इस टाइम पे जो मैं एक्सचेंज यूज कर रहा हूँ, बिंगेक्स एक्सचेंज यूज कर रहा हूँ, इस पे हम ट्रेड कर रहे हैं। इसके लिए मैं स्पेसिफिक एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिसके मुताबिक मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को बता दूंगा। इसमें बिंगेक्स के अंदर ना सिर्फ आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर सकते हैं, बल्कि आप इसमें फॉरेक्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इसमें गोल्ड की ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इसमें कॉमोडिटीज की ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें सारे के सारे ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद हैं, न्यू लिस्टिंग मौजूद होती है, एयर ड्रॉप्स मिल जाते हैं, न्यू पेयर्स जितने भी आते हैं वो सब के सब मिल जाते हैं, न्यूज़ इसमें मिल जाती हैं, आपको कम से कम फीस देनी पड़ेगी, रिबेट आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उस लिंक के थ्रू अगर आप ज्वाइन करेंगे, जो कि हमारी कंपेन इस पर रन हो रही है, तो आपको ऑब्वियसली इसमें जितना भी फर्स्ट डिपॉजिट होगा उस डिपॉजिट के ऊपर भी आपको बोनस मिलेगा, एंड देन रेफरल लिंक से आप लोगों को दूसरे मेंबर्स को ज्वाइन करवा के आप लोग यहाँ से अर्निंग भी कर सकते हैं। तमाम तर लोगों के लिए मैं बिंगेक्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला सारी की सारी चीज़ें शेयर की जाएंगी, और जितनी भी ट्रेड्स होंगी आगे वो मैं कोशिश करूँगा बिंगेक्स पे ही शेयर किया करूँ, जितने भी टोकन्स होंगे। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।